पिछले चार सत्रों में नुकसान के बाद शेयर बाजार मंगलवार को फायदे में रहा। वैश्विक स्तर पर अधिकांश शेयर बाजारों में तेजी रही, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा। सेंसेक्स 86 और निफ्टी 19 अंक बढ़कर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स करीब 95 अंकों की तेजी लेकर 39,057 अंक पर खुला और शुरुआती सत्र में ही यह 39,168 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। लेकिन बाजार बंद होने से पहले इसमें तेजी से गिरावट आई और ये एक बार फिर लाल निशान पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 48,871 अंक पर पहुंचा, लेकिन फिर इसमें सुधार हुआ और सेंसेक्स कल के मुकाबले 86 अंकों की तेजी के साथ 39,046 अंक पर बंद हुआ। वेदांता में 2.47% की रही, जबकि यस बैंक में 5.94% की गिरावट रही। बीएसई के अधिकांश समूह हरे निशान में रहे। तेल और गैस समूह में सबसे ज्यादा 1.13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ऑटो में 0.52% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी हरे निशान पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 5 अंकों की बढ़त के साथ 11,677 अंक पर हुई। निफ्टी आज 11,727 अंक के उच्च और 11,641 अंक के निचले स्तर तक पहुंचा। अंत में कल के मुकाबले 19 अंकों की तेजी के साथ 11,692 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल कंपनियों में 32 बढ़त में और 17 गिरावट में रही, जबकि एक में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैश्विक स्तर पर अधिकांश बाजारों में तेजी रही। ब्रिटेन का FTSE 0.58%, जर्मनी का डेक्स 0.80%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.00%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.38% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.09% की बढ़त में रहा, जबकि जापान के निक्की में 0.72% की गिरावट रही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।